साथियों, इन 10 वर्षों में त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बीजेपी ने जो किया है ना, वो तो बस ट्रेलर है ट्रेलर। अभी तो हमें त्रिपुरा को और भी आगे ले जाना है। बीजेपी ने अगले 5 वर्ष का जो संकल्प पत्र पेश किया है, वो त्रिपुरा के लोगों के लिए समृद्धि का काम करेगा। अगले 5 वर्ष हर लाभार्थी को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे, गरीब के बच्चे भूखे न रहे। और ये मोदी की गारंटी है। और एक बहुत बड़ी घोषणा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है। इस घोषणा से सीधा लाभ परिवार के उन लोगों को पहले होगा जिनकी आयु 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल है, मेहनत करके कमाई करते हैं और परिवार में दादा है, दादी है, पिता है, माता है, बुजुर्ग है। मैं उन दोनों के लिए के वादा लेके आया हूं, आपके परिवार में जो 70 साल से ऊपर के हैं, कोई भी हो, त्रिपुरा का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का है और अगर वो बीमार हो जाता है, गंभीर तकलीफ आ जाती है, तो अब उनके बच्चों को आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मोदी उसका खर्चा करेगा। उनका इलाज, उनकी दवाई मोदी करेगा और आपको इतने पैसे बचेंगे जो आपके और काम आ जाएंगे और आपके माता पिता की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। ये हमने इस आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ऊपर के सभी महापुरुष महानुभावों के लिए, माताओं बहनों के लिए गारंटी दी है, मुफ्त इलाज मिलेगा। कोई गरीब घर के बुजुर्ग हो, मध्यम वर्ग के हो या उच्च वर्ग के हो, हर बुजुर्ग को बीजेपी आयुष्मान योजना के दायरे में लाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ त्रिपुरा के लोगों को होगा, यहां के बुजुर्गों को होगा।